इस क्वेश्चन को देखेंगे आप कि कह रहा है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये व्यास दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है, व्यास। अब आप जानते हैं कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये देखिए गोले का चित्र है, हम आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर ठीक से दिखा दें, ये व्यास जो दिया है, ये 1 में 14 दिया, 1 में 21 दिया, 1 में 3.5 दिया है, तो यानी व्यास जो है ये 14 है, ये वैल्यू 14 है। तो आप सब जानते हैं कि व्यास जो है, व्यास बराबर ये त्रिज्या का 2 गुणा त्रिज्या का आधा होता, दूना होता है, यानी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, ये सारी चीज तो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगी, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, और व्यास के पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा है, तीसरा, तो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, तो लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² तो ये हो जाएगा 4 × π का मान 22/7 हमको लिखना है, और r का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा, ये भी गोला है, थोड़ा गोले जैसा नहीं बनाया है इस तरह का, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 4 × 22 × 7 का वर्ग है, तो 7 को 2 बार गुणा कर दे बटे 7, तो 1 7 से 1 7 कट गया, तो बचा क्या, 4 × 22 × 7, तो ये देखिए ये हो जाएगा 7 चौके, या 7 का 22 में गुणा कर लो, 7 × 2 = 14 की 4 यहाँ से लगा 1, 7 × 2 = 15 × 4, तो ये हो जाएगा बेटा 4 × 4 = 16, असली 4 × 5 = 21, हासिल 2, और 4 × 4 = 5 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से होमवर्क के रूप में ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये भी और ये भी आप होमवर्क के रूप में इनको आप स्वयं हल करेंगे, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।